लगातार बुलंदियों को छू रहे टेराकोटा शिल्प के उद्यम को वित्त पोषण में और सहूलियत मिलने जा रही है। टेराकोटा शिल्पियों के कारोबार को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किए गए वादे के अनुरूप पंजाब एंड सिंध बैंक शिल्पियों के द्वार पहुंचा है। बैंक के अधिकारियों ने टेराकोटा शिल्पकारों से उनकी वित्तीय जरूरतों की जानकारी ली और बताया कि उन्हें अपनी कला को उद्योग के रूप में स्थापित करने के प्रदेश सरकार के प्रयास में वह भी हम कदम बन गए हैं। बैंक ने गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पियों के लिए 25 करोड़ रुपए लोन वितरण का लक्ष्य रखा है। गोरखपुर की विशिष्ट टेराकोटा मिट्टी शिल्प को योगी सरकार ने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल कर प्रशिक्षण, निःशुल्क यंत्र उपकरण व अनुदानित लोन देकर इसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नायाब होने के बावजूद कभी टेराकोटा के उत्पादों को खरीदारों का टोटा था, तो अब सरकार की तरफ से कराई गई ब्रांडिंग का यह जलवा है कि इस शिल्प के उत्पादों की डिमांड इतनी है कि शिल्पकारों के पास 3 से 4 महीने के लिए एडवांस ऑर्डर रहता है। यही नहीं, इसके उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर ग्लोबल मार्केट तक उपलब्ध हैं। सरकार के प्रयासों से टेराकोटा को GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी हासिल है। टेराकोटा मिट्टी शिल्प उद्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका कारोबार और बढ़े और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिलचस्पी लेते हैं। CM योगी के प्रयासों से जुड़ने की एक पहल पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी की है। कार्यकारी निदेशक रामजस यादव के नेतृत्व में गत 23 अगस्त को बैंक के अधिकारियों ने CM योगी से लखनऊ में मुलाकात कर टेराकोटा शिल्पकारों के लिए अपनी कार्य योजना की जानकारी दी थी। बताया था कि बैंक उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग के साथ मिलकर गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को 25 करोड़ का लोन उपलब्ध कराएंगे। इस वित्त पोषण से शिल्पी अपने उद्यम का आकार और विस्तारित कर सकेंगे। इसी कार्य योजना के मुताबिक रविवार को बैंक के मुख्य प्रबंधक विनय कुमार ओझा के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक शैलेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक गोलघर गोरखपुर, शाखा अरविंद कुमार मिश्र, शाखा प्रबंधक बशारतपुर गोरखपुर पंकज जायसवाल व शाखा प्रबंधक बस्ती संदीप यादव टेराकोटा के लिए मशहूर औरंगाबाद और गुलेरिया पहुंचे। उन्होंने भोला प्रसाद प्रजापति, रामफल गुलाब चंद प्रजापति, गब्बू लाल चंद प्रजापति, हीरा लाल प्रजापति, राजन प्रजापति, रविंद्र प्रजापति से मुलाकात की। उनके हुनर को देखा, बाजार उत्पादों की मांग और उनके टर्नओवर के बारे में जानकारी ली। बैंक अधिकारियों ने टेराकोटा शिल्पकारों को ODOP के तहत सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि बैंक उन्हें त्वरित आधार पर सरलता से लोन देने के लिए तैयार बैठा है। लोन से वह अपने कारोबार को और रफ्तार दे सकते हैं। शिल्पकारों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम और QR कोड के जरिए लेन देन के बारे में बताया गया। होता है वो पटक देता है, ये सब 50 रुपये का है। हम देते हैं व्यापारी के यही सामान, आप व्यापारी खरीदारी करेंगे तो 100-125 रुपये पड़ेगा। आप 50 रुपये बेचते हैं? हम 50 रुपये बेचते हैं। आपका लागत कितना है मेहनत से बनाना? बहुत लागत मेहनत है, ज्यादा लागत मेहनत ज्यादा, लागत कम मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा है, डिग्री मेहनत बहुत काफी है। टोटल कितने लोग होंगे जो इस तरह का कर रहे हैं? कोई नंबर बताएंगे? और अंदर देखिए, पहले पुराना 12 है, 12 लोग हैं, 12 से अब ज्यादा बच्चे हमारे हैं, वो ऐसा ही बच्चे लोग अब कर रहे हैं, लड़के अलग होते जा रहे हैं, उनका अलग भी कारोबार हो गया, लेकिन हम लोग 12 से कम कंप्लीट। तो हम लोग पंजाब एंड सिंध बैंक से आए हैं, आपको क्या मदद करें, उसमें कितना पैसा दें आप उद्योग इसको बड़े स्तर पर आप इसको करें? सर पंजाब से आए हैं, खुद महाराज जी ने भेजा कि औरंगाबाद जाइए आप लोग।